मैं जी गुरु देखी है शुरू तो बहुत साल तो कटे थे लिखण तो लैके क्योंकि बहुत टाइम थे मेरे नाल एज अ राइटर ही जुड़िया रहा बड़िया फिल्म फरार दे वेले मैं याद आ उधर दिन होंदा सी अमरीका शूट करते इधर रात होंदी सी ये सारी रात जागदा सीगा जो उधर किसी कोई लैन की लोड़ ना पै जाए तो उदों तो कट्ठे हैं जी तो वार्निंग ने जिन्ना ये लाइफ से चेंज लैके आता मेरी लाइफ से भी लैके आता सानू पता नहीं कि प्रोडक्ट इदा भी चलन गए और लोग इधर चीज़ा भी पसंद करेंगे और मैं इनू हमेशा तो कहना सी मैं क्या यार जो तू को बैठता ना मैं बड़ा इंट्रस्टिंग करैक्टर लगता हमेशा गलत बातें मारते हैं मैं क्या जो स्क्रीन पर आना वो चीज़ क्यों नहीं निकल के आ रही फिर मैं रिलाइज किया थोड़ा उस कैटेगरी का एक्टर है हूँ भी मैं क्योंकि मैं बहुत फिल्म कीतियाँ बहुत काम किया ये जो ये पहले दो तीन दिन सैट पर रहता ना तो इनू करैक्टर फड़न वक्त बहुत लगता क्योंकि उनकी बड़िया बरीकियां पड़निया चाहता बड़ी चीज़ा तो जिड़िया पहला इन फिल्मा मिलती रही सारिया फिल्म इदा दूसरी बेचारों रोल ही तीन दिन का मिलता हूँ जब तक रोल मुक जाता जब तक फड़ता ही फड़न फड़ा कुछ बचता ही नहीं दो चार ही सीन होंगे थे इधरों निकल गए उधरों निकल गए सो टच वुड अच्छ बड़ी खुशी है जी बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा चेता से मेरी बेस्ट विशेज ने सारी टीम तुम जरूर सपोर्ट करो इस प्रोडक्ट की और मेहनत करे इदा के सबजैक्ट चलने चाहिए बट एक चीज़ मैं हमेशा कहना मैनू क्योंकि मैं जो ट्रेलर देखिया क्योंकि इदा के बड़े ट्रेलर ने जोड़े आप फिल्म देखते हैं जो ये वार्निंग वे भी प्रॉब्लम आई थी कि सर्टिफिकेट अडल्ट मिल जाता है ना ये मैं समझ नहीं लगी हैगी क्योंकि जो वार्निंग असी सेंसर करवा गए तो उन्होंने सानू उ कहता भी ये तो अडल्ट है इन्हों अडल्ट ही मिलेगा तो असी बड़ी लड़ाई झगड़ा किया सेंसर नाल इतों गए तीन चार जने दो दिन बैठे तो कि फिल्मों के रेफरेंस कट्टे असी भी यार आह देखो तुम इन्हों अडल्ट नहीं दिता हुआ कहते जी वो रीजनल नहीं है वो पंजाबी नहीं गया मैं कह बंदे तो उही हाँ अभी साढ़े फिल्म थोड़िया चल दिया ने असं हिंदी फिल्म पंजाब से इन्नी कलैक्शन कर दी ने थोड़िया असं बैठ के देखते हैं सो वो एक जड़ा उत्थे जाके पंगा पैंदा वा पता नहीं तो वितकरा कह सकते हैं पता नहीं की प्रॉब्लम है भी इस चीज़ में सानू थोड़ा जहा लगता कि मैं पहला भी एक बार इतने भी टॉक की थी सीएम साहब भी टॉक हुई थी उन्होंने भी कहा था भी इतने सेंसर का कुछ जगाड़ लिया जाए इतने सैटअप किया जाए सो वो चीज़ा मैंने लगता होनिया चाहिए एफर्ट मारनी चाहिए क्योंकि अस्सी कलैक्शन है जी इसे चक्कर च मर जाती है वो फरार फिल्म के वे पहली बार होया लोग जो टिकट बुक करवा लगे बुक माई शो के उत्ते तो उसे लिखा आ जाता भी तू 18 साल तो उत्ते हैं यह अडल्ट फिल्म आ सो लोगों को लगता कि उदो आप ना ही सुनते थे ना अडल्ट फिल्म से पता लगता तू गंदे सीन हो गए या कुछ है वो दो तीन सीन से जो चाकू वजता खून निकल आता वो ब्लड के उत्ते ही आपको सेंसर उन्होंने अडल्ट देता सो उस चीज़ की जरूर मैं एक लग रही है कि प्रॉब्लम क्योंकि इदा भी चीज़ आप घर बैठ के आम देखते हैं अच्कल तो एमेजॉन नैटफ्लिक्स ने नेरी पट्टी पई है ये चीज़ा भी सो अडल्ट कुछ ना कुछ जरूर एफर्ट मारनी चाहिए है तो बाकी तुम सपोर्ट करो जी और ट्रेलर बहुत वाइया लग रहा है बेस्ट विशेज सारी टीम थैंक यू ये तो हम सारा पता ही है भी निकी भाई जी मैं इस अपनी लाइन के मैं काफ़ी टाइम तक चल रहा जी मोडा में चाकू बैठाया ये हम फिल्म चेता सिंह 1 सितंबर को आ रही है तुसी सारे ने जरूर देखने जानी है ये भैन भरा की कहानी है ये एक किताबों वाली दुकान पर लग्या हुआ हुंदा है भैन है जिहड़ी खो खो की खिडारन है और वो सोचता है भी ये कोई लाल बत्ती वाली गड्डी हो गई तो मैं डायरी चक के ये मीटिंग हो गई अफसर बनेगा जी मुंडे की कहानी है पाले की कहानी है पाला चेता क्यों बनता ये फिल्म देख के तुम्हें पता लगेगा तो तुम सारे ने जरूर देखने जानी है ट्रेलर अब अपना रिलीज हो गया 1 तरीक न 1 सितंबर को आनी है फिल्म पुलिस ऑफिसर का जो किरदार मैं कभी तक प्ले नहीं किया तो मेरे लिए बड़ी माण वाली गल सी पंजाब पुलिस में हमेशा देखी रहा सी उस गेटअप च आना फिर उ रूप रखना उ स्टाइल काम करना तो बड़ा चंगा लगा तो मैं आशीष कुमार जिन्होंने डायरेक्ट की उन्होंने भी धनवाद दी राणा जी भी धनवाद दी जिन्होंने प्रोड्यूस की है सुमित जी तो गुरविंदर जी तो सारी टीम तो सारी स्टारकास्ट सर काम करके मैं बहुत चंगा लगा
बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी मैम भी बैठे ने उधर सारे नाल, मैं हुण एक एक नाम गुणा लगी कि बहुत टाइम लग जाएगा, बट सारे मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी, उन्होंने इन्ना अपना सहयोग दिता और मेरा जरा काम है वो मेरे लिए आसान हो गया करना। सैट से यदि शूटिंग अमृतसर वाल हुई है, तो बाकी जिदा प्रिंस जी ने दसिया है उन्होंने फिल्म आप देखी, उन्होंने काम देखिए आप, मैं भी उन्होंने काम की फैन हाँ, हालांकि मैं तो जॉनर देखती नहीं पर मैं कर लिया क्योंकि मैनू लगता है कि पंजाबी सिनेमा के इदा दी फिल्म आनी चाहिए। और गिप्पी जी उन्होंने बहुत सोहना उपराला किया, वॉर्निंग अपने सारे के मूँह से यह नाम चढ़िया हुआ जिदे भी गल कर लो प्रिंस जी का काम, तो बहुत मैनू चंगा लगा कि मैं इस सारी टीम का हिस्सा बनी हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गिप्पी जी का कि तुम अपना इन्ना कीमती टाइम करके तुम इतने आए हो, तो बहुत बहुत मेहरबानी तो शुक्रिया सारे का। पंजाबी फिल्मों को सपोर्ट करो, पंजाबी जुबान को सपोर्ट करो, मेरा बस आही मैसेज है। थैंक यू सो मच। मैं इसका भी शुरुआत इतने करूँगा, डॉक्यूमेंटल के एक मेरा छोटा जहा सीन सी जिसे मैं काफ़ी सालों के बाद वापस रिंग जाना, मेरा जूनियर मैंने कहता है सर स्टूडेंट सब याद करते मिले हैं गेम में थोड़ी जरूरत है, मतलब एक ही लाइन आती है कि गेम में तो सारी जिंदगी देती। मैं मैंने देखिए मैं 69 तो सिनेमा का स्टूडेंट हाँ, और जे पंजाब बॉम्बे तो पंजाब वापस आने तो पहली जी कॉल मैंने आई वो प्रिंस की सी लैदर लाइफ वास्ते, उस तो बाद सारा कुछ चलता जा रहा। और बड़ी खुशी है कि पंजाबी सिनेमा मतलब जिन्हों सिनेमे एज अ होल जो देना चाहते जी, और खास करके पंजाबी तुम्हारी माँ बोली जी जिन्हों शिरकत करना चाहते जे वो सिनेमा ग्रो कर रहा हो, तो बहुत ही खुशी की गल है। साढ़े को 100 करोड़ की फिल्म है, साढ़े को चेता सिंह वर्गिया एक्सपैरिमेंटल फिल्म वा, और मैनू पंजाबी सिनेमे का जरा भविख है बहुत ही चंगा लग रहा, बहुत ही उम्मीदा है ये तो कि असी सिनेमा एज ए होल वर्ल्ड सिनेमा जरा वा वो एट पार खड़े होने बिल्कुल लागे छागे पहुँच गया, ये साढ़े वास्ते बहुत ही खुशी की गल है। सब तो पहला तो जिन्हें भी मीडिया इतने हैगी है जिन्हें करके प्रोग्राम रखा गया, तो जिन्हें करके साड़ियाँ गल्लां जिहड़ियां अगे जांदियां पहुँचदियां, तो जिन्हें भी लोग इतने आए हैं सारे का धन्यवाद। तो स्पैशल थैंक्स गिप्पी गरेवाल भाजी जिहड़े सारे ने हमेशा सपोर्ट करते थोड़ा नज़र आएंगे हर स्टेज पर, प्रिंस भाजी तो साढ़े प्रोड्यूसर साहब जिन्हें बगैर ये गड्डी चलनी नहीं सी, सुमित सिंह भाजी ते रणजीत सिंह भाजी, सागर स्टूडियोज ते नकाश फिल्म को प्रोडक्शन तो ये फिल्म आ रही है जी चेता सिंह, तुसीं इहदे टीज़र नूं बहुत ज़्यादा प्यार दिता है, ये फिल्म एक डिफरेंट कैरेक्टर भी है जिहड़ा तुसीं पोस्टर से देख रहे हो, करैक्टर बेसिकली उहदा डार्क साइड है, तुसीं इहदी जिहड़ी पॉजिटिव साइड जदों तुसीं फिल्म देखोगे तो थानू जिदा कि भाजी ने दस्सिया कि ये भैन भरा की स्टोरी है, ये फैमिली फिल्म आ, इहनू सर्टिफिकेट करके नहीं कह सकते कि आप ट्रेलर के जो चीज़ा देखी हैं, तो सेंसर वाली गल जी भाजी ने गल कही है गिप्पी भाजी ने, वो सेम चीज़ मेरे नाल भी फेस हुई जो मेरा उन्होंने मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये गल कही कि यार ये चीज़ा तो साउथ च होंगी हैं, तुम पंजाब इदा की मतलब मूवी उत्थे तो बी कॉमेडी फिल्म या इदा की फिल्म देखते हो भी पंजाब के इदा की फिल्म, मैं उन्होंने गल कही सर बई मेरी डेब्यू फिल्म आ, तो मैं कोशिश की कुछ डिफरेंट करन दी, तो उही इहदे विच आपां कीता, इहदे विच कोई भी इदा दा वायलेंट सीन इदा दा नहीं हैगा जिहड़ा असीं फैमिली नाल बह के नहीं देख सकते, क्योंकि साडी सारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो जे तुसीं सानूं सपोर्ट नहीं करोंगे तो असीं डिफरेंट सिनेमा किद्दां बनावांगे, बई इक्को जॉनर की फिल्म आपां करदे रहांगे तो ऑडियंस नूं डिफरेंट सिनेमा देखण नूं कदों मिलूगा। तो उन्होंने इस गल्ल मैं ये गल कही कि बई मैं थोड़ी इस गल मतलब मैं मानता, तो उन्होंने चीज़ों पर गौर किया जा रहा है, तो साड़ी फाइट जा रही है, तो बाकी गल है कि फिल्म तुम देखोगे थोड़ा मज़ा आऊगा, फिल्म देख के थोड़ा डिफरेंट टाइप का ये कैरेक्टर जरा प्रिंस भाजी ने किया, तो भाजी ने थानू मैं भाजी की गल दसा तो भाजी ने पूरी डेडिकेशन ये फिल्म में किया, तो कुछ सीन इदा के भी है जे मैं थोड़ा दसा तो भाजी ने मैं इन्होंने गल कही कि भाजी मैंने इदा की रॉ लुक चाहिए, थोड़े बाल इदा के चाहिए ने या तुम फिल्म के आ चीज़ कैरी करनी है, तो भाजी ने मैं आके तीजे दिन यह गल कही, मैं भाजी थोड़े बाल
मतलब तुम लुक इन्नी ज्यादा मेनटेन कर रहे हो, तुम मेकअप आर्टिस्ट बहुत सोहना काम कर रहे हो, तो मैं इन्हों जे मैनेजर ने चीमा बाई उन्होंने गल दसी कहते भाजी ने बाल नहीं धोए चार दिन बी भाई नहाते तो मैंने वो गल भाजी सच्ची तुहाडी डेडिकेशन सलाम आ। कुछ सीन इदा के है जेडे उन्होंने लगे कि यह इदा के है बट वो है नहीं इदा के उसके पीछे ब्लड है ब्लड के शॉर्ट्स तो वह तो आप आम फिल्मों से देखते हैं कितनी फिल्म आ रही जड़ियाँ यूए के नाल रिलीज हो रही हैं साउथ की मूवी है बॉलीवुड की मूवी है तो असी भी उही करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। वो उत्थे लाया हुआ जेडे उन्होंने कट दिते जी उन्होंने सैट करके वाहगुरु मेहर के स्थान जी पहुँच चुके हैं मेहनत करनी पै रही है रोज आ मैं कहीं मैं ठीक लगता मैं हाँ ओर बिना बहुत मेकअप करके सोहना जहा बड़ा खिले हो गया कहना मेनू तो रोले कहना मेनू कपड़े वधिया दिते जा रहे ने मेरिया अचकना उचकना पवा दी है ना कहना मेनू सैट नहीं लग रहा तो इस रोल चाहे परफेक्ट आ। तो सारे ने यह आप मिल जाना वाहगुरु मेहर रखे हम टाइम है अपने को लै लेना घट कुट के मन भी तुम इस गल च ना लायो भी मिल गया ना वो कुछ नहीं कल यूए लै लेना ਆਪਾਂ ਪੁਲ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਫਲਾਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਕ ਰਿਹਾੜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛਤਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਮੀਦ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯੂਏ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਟੀ ਵੀ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗੇਨ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਓਕੇਜ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂ ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਰਾਇਆ ਸੈਂਸਰ ਯੂਕੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ 14 ਮਿਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 15 ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਉਹ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਗਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੱਤੇ ਪਰ ਯੂਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਗਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਇਨ 10 ਕੰਟਰੀ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कई लोग ने इमेजिन कर लिया या जो भी सर्टिफिकेट बारे सोचेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत मैं कहनी हाँ मैं लाइफ जिन्हिया फिल्मा कीतियाँ ये मेरी ऐसी फिल्म है जिद मैं अपने कैरेक्टर को बहुत इंजॉय किया मैं लग्या कि मैं एक्सप्लोर करन दा मौका मिलया ये और सारे एक एक कैरेक्टर ने अपना 100% दिता है और
मैं कहनी हां कि ये बेस्ट फिल्म निकल के सामने आएगी, बहुत अच्छी फिल्म है। ये बारे कोई भी गलतफहमी विच ना रहे, पहला फिल्म देखना फिर ओदे बारे कोई जजमेंट देना, बहुत अच्छी फिल्म है, जरूर देखो। और बाकी जितों तक मीडिया की गल है, मीडिया बहुत ताकत है, ये मैं कई सालों तो एक्सपीरियंस कर रही हाँ कि मीडिया बहुत ताकत है, किनों कित तक पहुँचाना आ वो भी काफ़ी हद तक थोड़े हाथ से आ। जे मैनू अज बार बार कहना पैंता मैं नैशनल अवॉर्डी हाँ, जब लोगों मेरे फ्रेंड्स में दसना पैंता है मैडम नैशनल अवॉर्डी है, तो उत्थे मैनू लगता है कि जो उदों जो मैं नैशनल अवॉर्ड मिल लोगों छोटा जहा अवॉर्ड एक मिलता ना तो इन्नी पब्लिसिटी होंगी है। मैं नैशनल अवॉर्ड मिलया पंजाब किसी नहीं पता, मतलब उदों तू जो तुम उदों थोड़ा जहा मतलब मीडिया वालों माड़ा जहा एफर्ट होया हों कि साढ़े पंजाब की एक फीमेल नैशनल अवॉर्ड मिले तो शायद अज मेरी जगह कितने होर होंगी जिस लैवल से अज हाँ, शायद मैं पहला होंगी। ये मैं जो इतने तक अज पहुंची हाँ तो शायद मैं जिन्ना भी काम मिलता रहा वो तो बहुत मेहनत कर करके थोड़े जे लोग मैं जानने लगे है। जे असी कही कि मैनू अपने मीडिया ने उस वक्त लोगों को पता लगता कि नैशनल अवॉर्ड साढ़े पंजाब किसी को मिले तो मैं बड़ा फायदा होंगे यदा। चलो कोई गल नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हूँ जो मीडिया वाले मेरे नाल गल करते हैं तो वो आप अपने मुँह तो कहेंगे है कि तुम नैशनल अवॉर्डी हो। तो ये एक छोटा जहा गिला है मैनू कि जो छोटे जे अवॉर्ड ले इन्नी पब्लिसिटी हो सकती है तो नैशनल अवॉर्ड तो बहुत बड़ा अवॉर्ड है, राष्ट्रपति अवॉर्ड। तो शायद पता नहीं मौका ये गल कर है कि नहीं है, लेकिन मैं कहना यह चाहनी हाँ मेरा एक्सपीरियंस है कि मीडिया च किन्नी ताकत है, तो मीडिया कुछ भी कर सकता है, तो मेरी गल नूं कोई भी बुरा ना मन्ने, ये रियलिटी है। तो हुण भी मैं रिक्वेस्ट करती हाँ कि इस फिल्म नूं पूरा सपोर्ट करना, तुहाडी सपोर्ट नाल बहुत 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 फायदा होएगा इस फिल्म नूं, क्योंकि फिल्म अच्छी है। कई बार बहुत अच्छिया फिल्म पब्लिसिटी की वजह नाल रह जांदियां, जल्दी उतर जांदियां। मैनूं लगता है कि जे अच्छी फिल्म नूं चंगी तरह प्रमोशन मिल जाए तो फिल्म बहुत अच्छे लैवल पर काम कर सकती है। थैंक यू सो मच। पैसा तो ला उन्होंने लाना नाल ही बैठे उन्होंने ला देने आप वट कर देने वट। तो रही गल मैडम की नैशनल अवार्ड की, मैडम चलो नहीं किसी ने गल की थी, पर तुसी एक सीन करके दस दें भी मैं हैगी हाँ, वार्निंग का तुसी ना नहीं लिया, मैं थोड़े से गिला है वार्निंग के बेच एक सीन है वो जो उसे बैठी है पम्मे के नाल वो अज भी कहना और भाई हमेशा ही कहते मैं वार्निंग सारे ने देखी है, मैं कल वार्निंग टू देखी है जेड़ा उद्देश्य सीन है ना तुम बिलीव करो वो थोड़ी लाइफ का भी बेस्ट सीन है, यदी लाइफ का भी बेस्ट सीन। सो इन्ना ज्यादा वधिया परफॉर्म किया और वार्निंग टू एक मेरी लाइफ की भी ऐसा फिल्म आई जिन्होंने देख के मैं बहुत इंजॉय भी किया और मैं रोया और मैं फोन किया और फिर मैं सैट के उ तीन दिन आही टॉपिक चलिया। मैं क्या यार तू वधिया सी, तू इन्ना वधिया है मैंने होर पता लगे। सो तुम जरूर क्योंकि कुछ क एक्टर इदा के होंगे तो सिनेमे देखने चाहिए ने गल छड़ के फिल्म किदा की होगी उन्होंने देख के ही आप इंजॉय करते हैं। सो मेरे कई फेवरेट एक्टर ने जिन्होंने मैं प्रिंस को मैं इंजॉय करना स्क्रीन के उत्ते मैं उदा ही तुरै फिरया जाता गल करता परफॉर्म करता है वधिया लगता। सो जरूर सपोर्ट करो जी और बिल्कुल इस चीज़ को आप जी आप सेंसर वाली टॉक भी शुरू की है शुरू तो वो आप कल भी वो नहीं लानी हैगी बाद इस विषय में चुका भी आप सेंसर इतने ही बने साढ़े अपने बंदे इतने हो जो फिल्म देख फिल्म का प्लस माइनस क्ढन चंकी चीज़ को प्लस कर बुरी को माइनस कर इतने के बंदे हो जाके कई बार आप चीज़ा करते हैं तो वो कई बार विस्तरे हो जाते हैं वो चीज़ों आप हौली हौली अगे एग्जीक्यूट करा। सो थैंक यू सो मच। बोलेगा कि वार्निंग भी गल नहीं की मेरा डेब्यू होया कि वार्निंग गिप्पी सर भी इतने बैठे ने मैं फर्स्ट टाइम ऑपरचुनिटी सर ने ही दी थी। आई वुड लाइक टू थैंक यू बोथ
नेक्स्ट मूवी च भी मेरी चेता सिंह च भी ऑपरचुनिटी मैं प्रिंस कवर जी सर के थ्रू ही मिली है एंड आई विश तुसी सारे इनू बहुत लाइक करोगे फैमिली मूवी है बहुत एक्सट्रीम इमोशन अटैचमेंट है ये जेड़ा तुसी टीजर च या ट्रेलर च भी इनफैक्ट देखिया मोस्ट ऑफ द टाइम वो डार्क साइड दिखाई गई है अगैन यस देयर इज अ बिट ऑफ वॉयलेंस क्योंकि वो इमोशन नू एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है क्योंकि उस तो पहला जी जर्नी है वो जस्टिफिकेशन उस तो बाद ही देती रहेगी सो यू गाइज विल इंजॉय इट एनी हाउ प्लीज मीडिया नू सानू सपोर्ट करने की बहुत रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहो जे टॉपिक मीडिया करके बहुत हाईलाइट भी हो जाते हैं कई बार बहुत ड्रॉप भी हो जाते हैं चेता सिंह के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो एक कलम हाथ च रखने वाले बंद कृपान हो गई ना हाथ से भी उस बाद फिर कोई गुस्से का सर्टिफिकेट नहीं रहता वो हम होया क्यों वह हसता वसता परिवार किमें उजड़िया क्यों वो उस पीक से गया तो उस पीक से जाके उन्होंने वो बंद सबक सिखाया ये सारा कहानी का एक पार्ट है स्क्रीन प्ले कहानी का इन्ना क खूबसूरत है कि कड़िया इस तरीके जुड़िया हुई कि तुम बहुत इंजॉय करवाओ उस चीज़ सो तुम सारे ने चेता सिंह नूं 1 सितंबर नूं प्यार देना जी इन्ना ज्यादा वधिया करैक्टर करन दा मौका दिता मतलब जिहड़ी एक एक्टर दी भुख हुंदी है उस तरीके दा करैक्टर करना जिहदे लई तुसी तरसदे हो कि मैनूं इहदे विच कुछ एक्सप्लोर करन दा मौका मिलूगा तां ओह मेरा सपना पूरा कीता आशीष सर ने प्रिंस भाजी ने ते प्रिंस भाजी मतलब मैं शायद उहनां नूं भी नहीं मैं दस्सिया कि जदों मैं उहनां दी फिल्मां देखदी सी ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਗੋਡ ਗ੍ਰੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੂਲੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਵਿਦ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ मिलने बहुत वड्डी गल है ते मूवी जिहड़ी चेता सिंह हैगी है उहदे विच तुहानूं एक सेंसिटिव इशू देखण नूं मिलूगा ते मैनूं बहुत खुशी है कि पंजाबी छोटा हुंदा सी रोल चाहे किने हुंदा सी जो मैं छोटे ना करदा रोल तां फिर मैं उस्ताद जी नूं मिलदे किसी भाई नहीं मिलदे मैं बैठा रहिंदा उत्थे वड्डा रोल मिलूगा फिर वो चलिया बाई नूं लग्या भी बंदा ठीक है ये लाइए जो इन लैके बंदा ठीक है सो उवें करके आ हुण ली चल पई आ आपां इह ध्यान नहीं रखना भी अज असीं कल्ले देखदे हाँ ते मैं बहुत खुशी मनावां चलदे रहना जे किते सैड ते भी आ जाऊगा तां भी कोई उह नहीं फिर दोबारा किते फिर कल्ले आ जाएंगे फिर भी कोई नहीं चलते रहना जरूरी है अगे पिछे तो चलना देखो जे जी हार्ट बीट थी वो नहीं जो ईसीजी करते हो आई जाता भी जिते अच्छा आह आह चली जाता तो बंदा ज्यादा जिते वो आ प्लेन हो गई वो हो जाती टू जी हो जाती है तो वह फायदा नहीं है ना आप चलते ही रहना बस ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ
जो भी कोई गल्लां बातां होंदियां ने तां सत चीज़ां पक्कियां होंदियां ने। साडी फिल्म बड़ी डिफरेंट है, असीं इह च बड़ा कुछ नवां कीता। कुछ नहीं नवां यार, की गल है, नवे नवे की गल थोड़ी आ। गल ये आ भी फिल्म जिहड़ी बिठाई चल रही आ उह तुहानूं एंटरटेन कर रही है कि नहीं कर रही। कॉमेडी है, इमोशन है, जां फलानी चीज़ है। लोग मैनूं कह दिंदे कई वारी तू ज़्यादा कॉमेडी बनाउंदा, कढ के देख लो मैं दूजियां बनाइयां ने सब तो वध। जे 100 करोड़ वाली मेरी है, मेरिया फ्लॉप भी ज़्यादा ने। उहदा रीज़न की है कि मैं एक्सपैरीमेंट किए, मैं चीज़ा डिफरेंट बनाइया। इन्होंने एक चीज़ की बड़ी सपोर्ट की, मैं इन्होंने कहा, मैं यार आप इदा की फिल्म बनाने तो आप चीज़ करते हैं। मैं इन्हों बैठिया, इन्हों कहानी लिखी, स्टोरी जो लिखी गई वो मैंने याद आ, अमर डायरैक्टर से पहले बंदे से। पहली वॉर्निंग वे इन्हों को बहुत छोटा बजट से, दूजी वॉर्निंग वे इन्हों का बजट बहुत बड़ा हो गया, फिल्म बहुत बड़ी बनी। मेरे को आए, मैं कहते जी अपना इन्ना बजट आ, हरदीप भीर डिस्कस किया, सानू इन्ने पैसे होर चाहिए ने। मैं कहा जी ओके। मैं कहा जी कहते पर असी एक्सट्रा नहीं खर्चा रहे, सारे यूनिट दियाँ नो वैनिटी वैना नो रिक्वायरमेंट्स अभी सब बंद कर दी उन्होंने। दूजी फिल्म मिले इन्होंने सारिया चीज़ा मिल रही, अभी इन्होंने तो भी नहीं लिया क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट वधिया बनाना से। जो अपना थॉट प्रोसैस ये बन जाए ना कि आप फिल्म राइट बनानी है, एक एक जो आर्टिस्ट कई आर्टिस्ट सैल्फिश हो जाते हैं जो वो चीज़ा निकल जाए। तो देखो पहली वॉर्निंग मैं लिखी थी पर मैं रोल इधर लिखा, मैं अरदास लिखी थी रोल घुग्गी को दिता। सो जो तुम ऑनेस्टी काम करते हो, मैनू कई बंदे ने पूछा तुम अरदास आप रोल क्यों नहीं किया, मैं कहा जी मैंने एज अ डायरैक्टर एज अ राइटर मैंने नहीं लगता सर घुग्गी भाजी बैटर जस्टिफाई कर सकते ने, उन्होंने बनया हुआ वा। सो वॉर्निंग का पम्मा बने ही ये सो वो चीज़ा जो आप 100% राइट करते हैं फिर नहीं। मैनू पूरा यकीन से भी यह चलूगा। सो वो कई बंद यकीन से जोड़े हूँ भी कई कहें भी यार ये चल गई। सो उन्होंने ये एग्जाम्पल ने। सो कह का मतलब यह बंदा करने वाला चाहिए सब कुछ है, हाले तो इन्हों रोमांटिक फिल्म चला। आप मेरे अंदर बड़ा कीड़ा सीगा भी यार शहरों खान वागू थोड़ा जहा माहौल उस्ताद ने अच कहता हूँ होगा काम। है देखो भाजी सब तो पहला तो फिल्म की कास्टिंग चैलेंज रहती है एक डेब्यू डायरेक्टर लिए, बट तो दूजा बजट मेरे जेडे प्रोड्यूसर से सुमित भाजी तो रणजीत भाजी इन्होंने सब तो पहला तो मेरी वो टेंशन मंगाती, वो कहते तू काम कर, यह सब तो प्लस पॉइंट से। दूजा सीगा स्टारकास्ट, जिहड़ी स्टारकास्ट सी मेरे को जो मैं प्रिंस भाई मिलिया इन्होंने जो साड़ी गलबात हुई तो इन्होंने मेरे नाल बिहेव नहीं किया कि तू एज ए डेब्यू डायरैक्टर काम कर रहा, हालांकि मैं गाने किए हैं एज ए कोरियोग्राफर मेरे ख्याल 2000+ गाना होना मेरा। तो मेरे लिए डिफिकल्टी शूट की कास्टिंग या बजट इन चीज़ों नहीं सी, मेरे लिए डिफिकल्ट उस चीज़ को शूट करना जिहड़ा कदे पहला नहीं होया। भाई हड्डा रोड़ी आप गल्लां च सुनिए आप कदे विजुअली उन्हें देखा नहीं, बहुत पिंडा च हुंदा गेड़े च कोई चल जांदा होना, सोचो एक बंदा होना है ना, तो मेरे लिए उहदा सैटअप जिहड़ा क्रिएट करना सीगा वो इदां दा लगे कि वह नकली होने के बावजूद भी असली लगे। उस थां ते काम करना, उस सैटअप क्रिएट करना, विंटर च शूट सीगा साडा दिसंबर एंड च, ते वो जिहड़ा माहौल सीगा पूरा बहुत डिफिकल्ट सीगा शूट का। तो सारी चीज़ें मैंने आर्टिस्टा ने बहुत सपोर्ट की, भाजी ने बड़े भरा वांगू मैंने सपोर्ट किया कि तू दस कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आर्टिस्ट जरा फेस करना पैंता डेट्स, मेरे को भी इशू नहीं सीगा क्योंकि मैंने कहा फिल्म वधिया बन रही है, सानू तीजे दिन ही एज एन आर्टिस्ट पता लग जाता कि कितों कुछ चल रहा है डायरैक्टर या स्क्रिप्ट कितना चल रही है। तो इन्होंने मैंने सपोर्ट किया तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं सी। साडा शेड्यूल भी 27-28 दिनों का सीगा स्टार्ट, वो तकरीबन 40 दिन का होया अगे जाके क्योंकि फिल्म के बहुत सारी चीज़ें इदा दी जिन्हों टाइम लगता से, क्लाइमैक्स में बहुत टाइम लग गया। तो डिफिकल्ट भाजी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट जो तुम चैलेंज लैन लग जाते हो ना भाजी, जिदा कि गरीबा ने कहा कि तुम बिना सोए ब्रेकफास्ट करते थे, रात को डिनर करते थे, 16-16 घंटे भाजी उन्होंने काम किया मेरे नाल, प्रिंस भाजी उन्होंने सैट पर 12-11-12 घंटे की शिफ्ट होंगी है साड़ी। तो जो आर्टिस्ट थोड़े लिए इन्ना खड़ते हैं, थोड़े प्रोड्यूसर्स थोड़े लिए खड़ते हैं, गिप्पी भाजी भी प्रोड्यूसर तो डायरैक्टर तो स्क्रीन राइटर है ना भाजी ने सारा काम किया हुआ है, तो जो ये सारी टीम थोड़े नाल खड़ती है ना तो डिफिकल्ट भाजी कुछ नहीं रह जाता। तो मेरे लिए तो मैं इंजॉय किया बहुत, मेरा डेब्यू आ, बट कोशिश यही रहेगी कि अगे भी
शुरू किया सबूत भी है गया। बहुत मैं लखां क मैसेज भेजे ने मैं भाजी फिल्मा पा दो कितने फिल्मा पा दो ये कह देंगे अगे बस भाजी इस हफ्ते अपना काम होने वाला इस हफ्ते इनका हफ्ता आ नहीं रहा है सो ता ही मैं कहना भी जिन्हें चेता सिंह देखनी हो एक सितंबर को देख लो इन्हों का कोई भरोसा नहीं है फिल्म फिल्म पाते नहीं बाद हले इन्हों को जवाब है जी मिलने वाले अपने को हाँ इन सम टाइम भाई उन्हें कहता भी अगले हफ्ते थैंक यू।